1 फरवरी को बजट पेश होना है। बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उससे पहले ही सरकार विपक्ष को साधने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल और वी मुरलीधरन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी सभी विपक्षी दलों को आश्वस्त किया गया है कि सरकार कृषि संबंधी कानूनों समेत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। चलेंगे सीधा हिमांशु मिश्रा में, इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको विपक्ष उठाएगा जरूर, और कल राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान हमने देख लिया था कि विपक्ष के तेवर क्या है, लेकिन आज सर्वदलीय बैठक में इसी को लेकर चर्चा हो रही है, किस तरीके से सुचारू रूप से सेशन को आगे चलाया जाएगा। हिमांशु, देखिए बिल्कुल नवजोत की ये इसको लेकर एक बड़ी बैठक चल रही है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू है, ऑल पार्टी मीटिंग है जिसमें सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि संसद के सत्र को सुचारू रूप से चलाया जाए, किसी भी तरीके का जो है व्यवधान ना हो। और सभी विपक्षी पार्टियों से अपील की गई है सरकार के द्वारा कि वो जिस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। कृषि संबंधित तीनों कानूनों पर एक बार फिर से सरकार चर्चा कर सकती है अगर विपक्षी चाहें, उसके लिए किसी भी तरीके की सरकार जो है अपने कदम पीछे नहीं हटाएगी। लेकिन आप चर्चा कीजिए और संसद के बजट सत्र को चलने दीजिए अच्छे से, क्योंकि कल राष्ट्रपति के अभिभाषण का बायकट जो है 20 विपक्षी दलों ने किया था और राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सेंट्रल हॉल के बाहर नारेबाजी भी करने की कोशिश की गई थी। तो उसको लेकर तमाम चीजें जो है सरकार की तरफ से विपक्षी दलों से अपील की जा रही है कि इस बजट सत्र को सुचारू रूप से चलने दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बजट क्योंकि पेश होना है और बजट पर चर्चा होनी है, और पहले 4 दिन बजट पेश होने के बाद जो है 2 तारीख से जो है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जिसमें सभी विपक्षी दल जो हैं वो अपनी अपनी बातों को रखते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ये कोशिश में है कि ये बजट सत्र जो है पिछले सत्र की तरह हंगामेदार ना रहे। लेकिन ऐसे में बहुत अहम और बड़ी बात होगी, क्योंकि आज की ये जो बैठक हो रही है इसमें इस पर भी चर्चा होगी कि कैसे विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए, खासतौर पर अगर कृषि कानूनों की बात करें तो। हिमांशु, देखिए बिल्कुल इसीलिए सरकार चाहती है कि अगर आपको कृषि कानूनों को लेकर चर्चा करनी है तो सरकार उसके लिए तैयार है। बीएसई यानी कि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है दोनों सदनों की, वो तय कर ले किस दिन कितने समय के लिए चर्चा की जाएगी, उसके लिए तय किया जाए, लेकिन उसको लेकर व्यवधान ना किया जाए। जब विपक्ष की मांग होगी सरकार इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी तरीके का हंगामा ना किया जाए, क्योंकि बजट सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये कह सकते हैं कि 2 कालखंड में होता है। पहला रिसर्च जो है पार्ट वो 29 से शुरू है, 15 फरवरी तक जाएगा और उसके बाद जो है वो फिर से 8 मार्च से शुरू होगा और 8 अप्रैल तक जाएगा। तो सरकार चाहती है बजट को जो है बिना व्यवधान के पास कराया जाए।